बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास दहम मुताले पाकिस्तान मुआशी तरक्की चैप्टर है हमारा, लेक्चर नंबर 70 है। आज हमने पढ़ना है सिंध तास मुहैदा। कि सिंध तास मुहैदा क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी, हमने ट्रीटी पढ़नी है आज। जिसमें बर सगीर पाक हिंद की तकसीम के वक्त दरियाए सतलुज फिरोजपुर हेडवर्क्स और दरियाए रावी पर महादूपुर भारत के पास चले गए, जबकि इनसे निकलने वाली नहरें पाकिस्तान के एक वसी रकबे को सराब करती थी। जबकि दोनों इलाके पाकिस्तान को मिलने थे, मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे और फिरोजपुर पाकिस्तान में शामिल होना था। भारत ने इन नहरों का पानी बंद कर दिया तो दोनों ममालिक के दरमियान पानी का तनाज़ा खड़ा हो गया। इस तनाज़े को हल करने के लिए 1960 में आलमी बैंक के तआवुन से पाकिस्तान और भारत के माबैन सिंध तास का मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के मुताबिक तीन मगरबी दरिया सिंध जहलुम और पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में, जबकि तीन मशरकी दरिया रावी सतलुज और ब्यास भारत के हिस्से में चले गए। सिंध तास का मंसूबा, तीन मशरकी दरिया भारत की तहवील में जाने से दरियाओं में पानी की दस्तियाबी ख़त्म हो गई, तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपाशी का एक वसी मंसूबा तश्कील दिया गया जो सिंध तास का मंसूबा कहलाता है। इस मंसूबे के तहत दो बड़े डैम, छः बराज और सात राबता नहरें निकाली गई। इन राबता नहरों के जरिए मगरबी दरियाओं का पानी मशरकी दरियाओं में डाला गया ताकि मशरकी दरियाओं के जेरे काश रकबे को सराब किया जा सके। तरबेला डैम दरिया सिंध पर और मंगला डैम दरिया झालम पर बनाया गया जो सिंध तास का हिस्सा है। अभी तो जो हमारा जो है कालाबाग डैम बनना था वो भी दरिया सिंध पे, क्योंकि दरिया सिंध हमारा बहुत बड़ा दरिया है। इसमें से तकरीबन हमारा अब आज तक हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा अभी तक 70% पानी दरिया समंदर में चला जाता है बगैर इस्तेमाल के। अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा पानी का हिस्सा जो ऐसे समंदर में जाके ज़ाया हो रहा है दरियाओं की सूरत में, प्रॉपर नहरें प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हम उसे इस्तेमाल करें तो हमारा बहुत बड़ा एरिया और बहुत ज़्यादा काबिले काश्त हो सकता है। अब राबता नहरें कौन कौन सी हैं, राबता नहरें होती क्या हैं, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सिंध तास मनसूबे के तहत सात राबता नहरें भी बनाई गई। इन राबता नहरों की कुल लंबाई 590 किलोमीटर या MCQs भी बन सकता है आपका। दो दस जैल हैं, रसूल कादराबाद जो है राबता नहर, कादराबाद ब्लोकी सलमान की, त्रिमू सिदनाई मैलसी भावल, ये जो आपस में इस तरह जुड़ती हैं, यहाँ सिदनाई से मैलसी से भावल, तोनसा पंजनद, तोनसा और पंजनद के दरमियान जो नहर है वो चश्मा और जहलुम की जो से नहरें हैं वो आपस में जो लिंक हैं ये राबता नहरें हैं। इनके सारों को जो है ना ये आपने याद करना है, ये नाम भी याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। राबता नहरें और सिंध तास मुहैदा, ये सारा जो आपने अच्छी तरह याद करना है। अस्सलामु अलैकुम।